चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी जो दृष्टि समसामयिक की घटना चक्र क्या है ना, वार्षिक अंक, ये दृष्टि वाली। तो याद रखिए, इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य की दो क्लासें ले चुके हैं। इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य लगभग खत्म कर देंगे, उसके आगे आगे हम लोग जो भी टॉपिक है उसे देखेंगे। ये सभी क्लासें आपकी एक ही प्लेलिस्ट सूची में मिल जाएगी, वो नाम है आपका समसामयिक की घटना चक्र वार्षिक अंक। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस हो, फिर चाहे स्टेट पीसीएस हो, जैसे बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस के लिए तो इतना कहिए आप लोग कि एक तरह से रामबाण है ये बुक्स, समझ रहे हैं आप लोग। तो हर बार आप लोग खरीदते ही हैं, और अगर आपके पास सुविधा है, आसपास मिल रही है, तो खरीद जरूर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलकाता पतन का न्यास, पतन न्यास का पुनर्नामकरण किया गया है। कोलकाता पतन भारत का एकमात्र बड़ा नदी पतन है। कैसा है? नदी पतन है। कोलकाता पतन देश के प्रारंभिक बड़े पतनों में से एक है। वर्ष 2018-19 में कोलकाता पतन के माध्यम से 63,763, माफ करिएगा, 63.763 मिलियन टन के कार्गो का संचालन हुआ है, जो इस पतन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। कितना? 63.763 मिलियन टन, ठीक है, कि कार्गो का संचालन हुआ, जो इस पतन के इतिहास में एक रिकॉर्ड रहा है 2018-19 में। मुझे लगा रुपये में दिया गया, इसलिए 63,000 बोल दिया मैंने, लेकिन आपको याद रखना है 63.763 मिलियन टन। इसके बारे में क्या और जानकारी है? 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पतन न्यास की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता पतन न्यास का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। वैसे भी आप जानते हैं कि जब सरकारें बदलती हैं तो नामकरण प्रक्रिया पहले होने लगती है। कई अब कांग्रेस सरकार आएगी तो आप सोचिए उनके हिसाब से होगा, बीजेपी सरकार आएगी उनके हिसाब से होगा, दूसरी सरकार आएगी उनके हिसाब से होगा, समझ रहे हैं। अब कोलकाता पतन न्यास को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन के नाम से आप लोग जान पाएंगे। ठीक है, और याद रखना है वर्ष 2017 में 2017 में कांडला पतन न्यास का नाम बदलकर दीनदयाल पतन न्यास कर दिया गया था। किसका? कांडला पतन का। भारतीय पतन अधिनियम 1908 के तहत केंद्र सरकार को मुख्य पतनों, न्यासों, डॉक्स आदि के पुनर्नामकरण की शक्ति प्राप्त है, यानी कि केंद्र सरकार को। कोलकाता पतन न्यास की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है, स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कोलकाता पतन न्यास के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के वर्थ नंबर 3 के मशीनीकरण और प्रस्तावित रिवर फ्रंट विकास योजना का भी शुभारंभ किया है। तो ये बात है आपका कोलकाता पतन न्यास का पुनर्नामकरण से संबंधित। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से की गई थी। तो याद रखिए, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी, कब? 25 दिसंबर 2000 को, सन 2000 में। इसका उद्देश्य पात असमृद्ध बस्तियों तक सभी मौसम में पहुंच उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इसमें सरकार और राज्य सरकारों का कोई योगदान नहीं रहता है। 2013 में यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण की को मंजूरी प्रदान की गई थी। पहला आपका सन 2000 में, दूसरा 2013 में, और 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो आप कहिए कि पहला सन 2000 में, दूसरा 2013 में, और तीसरा चरण इसका 2019 में हुआ, 18 दिसंबर को। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के चरण 3 का लक्ष्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर लंबाई तक सड़कों का समेकन करना है। इसके माध्यम से ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को बस्तियों से जोड़ा जाना है। बस 2019-20 से 2024-25 तक के लिए अनुमानित लागत 80 कितनी 80,250 करोड़ रुपए है। 80,250 करोड़ रुपए लागत अनुमानित लागत है। ठीक है, इसमें केंद्र का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा रहेगा 26,450 करोड़ रुपए।
केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण 60-40 के अनुपात में रहेगा। कहने का मतलब है कि कहीं 100 रुपया खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 आपकी राज्य सरकार। लेकिन याद रखिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए वित्त पोषण का अनुपात 90:10, यानी कि 90 रुपये केंद्र सरकार देगी, 10 रुपये राज्य सरकार है। तो याद रखिए इनके ये क्या रहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष राज्य का जिन्हें दर्जा मिला हुआ है इसका फायदा यही होता है। आप देखते हैं आंध्र प्रदेश भी इसकी बात करता रहता है, बिहार भी करता रहता है, क्योंकि फायदा है इसमें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की अवधि 2019-20 से 2024-25 तक है। कितना? 2019-20 से 2024-25 तक। अब आपने देखा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव हुए हैं कुछ ही समय पहले, तो झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। कितनी? 81, जिसमें से 9 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 28 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। राज्य में विधानसभा के चुनाव हेतु 5 चरणों यथा 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर को मतदान संपन्न हुए हैं। आप लोगों को बताना है, नीचे लिखिए आप लोग, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित किस राज्य में की गई और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की सीटें किस राज्य में आरक्षित की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, आप लिखिए नीचे। 23 दिसंबर 2019 को झारखंड की 81 सीटें हैं, विधानसभा सीटों के लिए चुनाव परिणाम जारी किए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि जिसे झामुमो कहते हैं, सबसे बड़े दल के रूप में उमरा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली हैं। कितनी? 30 सीटें। वर्ष 2014 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 सीटें प्राप्त हुई थी। एक बात और आपको बताऊं, आजकल क्षेत्रीय पार्टी काफी अच्छा काम कर रही है, समझ रहे हैं? दिल्ली को ले लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं? अब जो केंद्र में, यानी कि ये पावरफुल पार्टी बन जाती है वो भ्रष्ट हो ही जाती है, क्लियर रहता है। कांग्रेस को देख लीजिए और बीजेपी को लगभग डूबने के कारण है, और बीजेपी इसलिए जीत जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि कोई विरोध में तगड़े से कोई आप विपक्ष है ही नहीं है। आप सोचिए कांग्रेस, मतलब क्या कहा जाए कि मोदी को मतलब श्रेय जितना नहीं जाता है जीतने का बीजेपी को, उतना राहुल गांधी को चला जाता है। तो जब विपक्ष दोनों तगड़े और तगड़े हों तभी मजा आता है और देश विकास भी करता है। वर्तमान चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को कुल 25 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 2014 में भाजपा को 37 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त गठबंधन को कुल 47 सीटें प्राप्त हुई। बहुमत प्राप्त झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। याद रखना हेमंत सोरेन। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन इससे पूर्व जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं, यानी कि इससे पहले भी वो रह चुके हैं। फिर आप देखेंगे सुशासन सूचकांक 2019 भी जारी किया गया है। सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की स्थिति के आकलन तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक कदमों के प्रभाव से अवगत होने का एक रूप साधन है। सुशासन सूचकांक 2019 का विकास, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सुशासन केंद्र हैदराबाद की तकनीकी सहयोग से किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में। 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रथम सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। तो याद रखिए सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में को 3 समूह यथा का बड़े राज्य, खा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और गा में है इसमें केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2019 में जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान संघ शासित राज्य क्षेत्र को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया। सुशासन सूचकांक में निम्नलिखित 10 क्षेत्रों के नागरिक शामिल किए गए हैं, क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? नागरिक केंद्रित शासन संकेतक 1 संकेतक, दूसरे में आप देखेंगे कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र 6 संकेतक, वाणिज्य एवं उद्योग 3 संकेतक, मानव संसाधन विकास 6 संकेतक, सार्वजनिक स्वास्थ्य 6 संकेतक, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा उपयोगिता 9 संकेतक,
आर्थिक शासन 4 संकेतक, सामाजिक कल्याण एवं विकास 8 संकेतक, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा 5 संकेतक और पर्यावरण 2 संकेतक। तो ये याद रखना है आपको कि 10 क्षेत्रों को, 10 सेक्टर को, यानी कि 10 सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, इन्हें भी याद रखिए। उपयुक्त 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में कुल 50 संकेतक शामिल है, कितने 50 संकेतक शामिल है, 10 प्रशासनिक क्षेत्र शामिल है, क्षेत्रों में से आप देखेंगे 50 सांकेतिक शामिल है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग का निर्धारण कुल 9 प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर किया गया है, इसमें नागरिक केंद्रित शासन नामक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र के तहत अभी तक केवल एक ही संकेतक की पहचान की गई है। तो पूछ लेगा कौन से इसमें आप शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखिए नागरिक केंद्रित शासन नामक क्षेत्र को शामिल इसमें नहीं किया गया है, बाकी सभी को किया गया है। अब मेन पॉइंट आपके लिए ये रहता है, सुशासन सूचकांक 2019 संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो बड़े राज्यों में बात करूं तो तमिलनाडु, स्कोर देखिए कम ही पूछा जाता है, फिर भी आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, छत्तीसगढ़ 4, आंध्र प्रदेश 5। तो बड़े राज्यों में आप तमिलनाडु पहले, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, छत्तीसगढ़ 4, आंध्र प्रदेश 5। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, ये पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी है। पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे पर उत्तराखंड, तीसरे पर त्रिपुरा, चौथे पर मिजोरम और फिर सिक्किम। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी, फिर उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं द्वीप, और फिर आप देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। अब बात करते हैं सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही है, क्योंकि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, उसी के लिए मुझे लगता है कि अभी पढ़ रहे हैं आप, तो उसे भी देख लीजिए। संयुक्त रैंकिंग में कुल 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 17वां है, कितना स्कोर है 4.25, ठीक है, 17वां स्थान मिला हुआ है, बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं, ठीक है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र की रैंकिंग में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र में की रैंकिंग की बात कर रहा हूं तो 7वें नंबर पर है। वाणिज्य एवं उद्योग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र में कितने नंबर पर है 7वें। और अगर आपसे पूछे कि संयुक्त रैंकिंग में कुल 18 बड़े राज्यों में कौन सा नंबर है, उत्तर प्रदेश का 17वां। और सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान अर्थात 18वें स्थान पर है, यानी कि सबसे बुरी स्थिति है। सार्वजनिक आधारभूत ढांचा एवं उपयोगिता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। आर्थिक प्रशासन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर है। पर्यावरणीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर है। सामाजिक कल्याण और विकास रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर है। मानव संसाधन विकास रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। किस पर 8वें स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष आप जोर देकर आप याद रखिए, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि पूछने की संभावना रहती है। रंगीला टॉपिक है हमारा रेलवे सुरक्षा बल में प्रशासनिक सुधार। रेलवे सुरक्षा बल के अस्तित्व में होने के प्रमाण 1882 ईस्वी से ही मिलते हैं, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा बल नियुक्त किए थे। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 3 के तहत वर्ष 1957 से रेलवे सुरक्षा बल को सांविधिक बल घोषित किया गया है। तत्पश्चात वर्ष 1985 में से भारत का सशक्त बल घोषित किया गया है, ठीक है, इन डेटों को भी याद रख सकते हैं आप लोग। लेकिन अभी करंट में क्यों चर्चा में, 4 दिसंबर 2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को समूह ए सेवा का दर्जा देने का निर्देश दिया था, तो अब ए में शामिल है। 5 फरवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को बरकरार रखा। उपयुक्त आदेश के अनुपालन में 30 दिसंबर 2019 को रेल मंत्रालय ने रेल सुरक्षा बल में समूह ए राजपत्रित कैडर को संगठित समूह एक दर्जा ए दर्जा प्रदान किया है, अब ए दर्जे में ये शामिल हो गई है। इसी के साथ भारत साथ रेल मंत्रालय ने उपयुक्त वर्ण समूह ए कैडर को भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा नाम दिया, तो भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा नाम। अब बात करते हैं भारतीय पोषण कृषि कोष के बारे में, भारतीय पोषण कृषि कोष के बारे में। सतत विकास लक्ष्यों जैसे SDG 2 शून्य भूख और SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, SDG 6 यानी कि शुद्ध जल और स्वच्छता, इन सभी 17 इंडेक्स को याद रख लीजिए आप लोग, सतत विकास लक्ष्य को, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे।
दिशा में विकास हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की गई है। भारतीय पोषण कृषि कोष की एक तरह से इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है। 18 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मिलिंडा ग्रेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की गई। किसके साथ मिलकर? बिल एंड मिलिंडा ग्रेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। किसने? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। भारतीय पोषण कृषि कोष परियोजना के दो घटक हैं, खाद्य एटलस का विकास और दूसरा है पोषण अभियान हेतु जन आंदोलन के लिए आवश्यक आशाजनक कार्यों का दस्तावेजीकरण। ये दो आपके घटक शामिल किए गए हैं। इसे बेहतर पोषण संबंधी परिणामों हेतु देश के 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों के भंडार के रूप में कार्य करना है और इसके तीन भाग हैं। कौन कौन से? वर्तमान में उगाई जा रही फसलें, दूसरा है कृषि पारिस्थितिकी स्थिति, मिट्टी, जैविक कार्बन सामग्री और भू जल उपलब्धता आदि। इस प्रकार दिशा निर्देश की आहार विविधता और पोषण को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष जिले या ब्लॉक की फसलों की विविधता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के अनुसार भारत को पोषण के मामले में सुरक्षित बनाने हेतु 5 सूत्रीय कार्ययोजना लागू करनी होगी या 5 सूत्रीय कार्ययोजना ए है, देख लीजिए इन पांचों को, ठीक है। महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए कैलोरी युक्त समृद्ध आहार सुनिश्चित करना, महिलाओं एवं बच्चों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए भोजन में समुचित मात्रा में दालों के रूप में प्रोटीन को शामिल करना, विटामिन बी और लोह तत्व और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषकों की कमी में होने वाली भूख को समाप्त करना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना और विशेष रूप से 100 दिन से कम आयु के बच्चों वाले गाँव में महिलाओं को पोषण के बारे में जागरूकता करना। एक तरह से याद रखिए आपका 5 सूत्रीय कार्य योजना क्या है, ये आपका सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में पूछ लेता है और मेंस में तो आप देखते हैं कि एमपीपीएससी में इस तरह के 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से याद रखा करिएगा। अब बात करते हैं राज्यसभा का 250वां सत्र। राज्यसभा आप जानते हैं ना कि हमारे संसद के 3 सदन होते हैं, मतलब 3 हिस्सा हैं एक तरह से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं, आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट मेरा कहने का मतलब है कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो आपके विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं ये चुनते हैं, और राष्ट्रपति की अगर बात करें हम लोग तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एक शब्द हमेशा याद रखिए, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्यों को भाग नहीं लिया जाता है इसमें, ठीक है। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित हुई थी। एक क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, कई बार एमपीपीएससी में भी पूछ लिया एक दो बार, और कई एग्जामों में पूछा है, देखिए आप लोग उठा के देखा करिएगा पेपर आप लोग। इसीलिए तो कहता हूं कि कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर लगाइए आप लोग। मुझे मालूम चल गया है कि यूपी के क्वेश्चंस में कितना पूछा गया है, मैंने भी आपने देखा है कि 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर आपके सॉल्व करवाए सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी और भी जो हो बताइएगा। तो याद रखिए इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को आयोजित हुई थी। राज्यसभा के 249वें सत्र के अंत में इसकी कुल 5,466 बैठकें हो चुकी थी। पिछले 67 वर्षों के दौरान राज्यसभा द्वारा 108 संविधान संशोधन विधेयकों सहित कुल 3,817 विधेयकों को पारित किया गया है। मेरा कहने का मतलब आप समझिए यहां कि देखिए विधेयक अंतर अलग अलग होता है। आप लोग देखते होंगे कभी कई बार कि आप लोग संशोधनों की संख्या यानी कि अधिनियमों की संख्या कम होती है, विधेयकों की संख्या अधिक होती है। तो याद रखिए ऐसा नहीं कि हर विधेयक अधिनियम बन जाए, समझ रहे हैं आप लोग। विधेयक जब राज्यसभा लोकसभा में रहता है तब तक विधेयक कहलाता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती है जब तक वो विधेयक ही बना रहता है, और जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं सहमति मिलती है और वो आपका किसमें अधिनियम में बदल जाता है। तो एक गलत कथन है कि अगर कहें आप लोग कि सभी विधेयक अधिनियम हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सभी अधिनियम आपके विधेयक जरूर होते हैं, ठीक है। तो विधेयकों की संशोधनों की बात करें तो राज्यसभा ने 108 संविधान संशोधन विधेयकों सहित कुल 3,817 विधेयकों को पारित किया। अब राज्यसभा ने भली पारित कर दिया हो
लोकसभा ने खत्म कर दिया हो या फिर राष्ट्रपति ने उसे रोक दिया हो, तो ये अलग बात है। तो इन याद रखिए इनको, ठीक है। 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और यह सत्र राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र था। तो राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 तक चला। इस सत्र के दौरान प्रतिदिन 9.54 अंकित प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया और 39% समय विधेयकों को पारित करने में व्यतीत किया गया। इस सत्र के दौरान पिछले 67 वर्षों में पहली बार सदस्यों द्वारा मूल भारतीय भाषाओं यथा हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली और संथाली में अपनी बातें रखी गई। मुझे लगता है कि देखिए अनुवाद सभी भाषाओं में होना चाहिए। कोई भी विधेयक आ रहा है, कोई भी सूचना आ रही है, तो हर क्षेत्रीय भाषा में मुझे लगता है अनुवाद करा देना चाहिए। और बहुत आसान है, आप राज्यों को दे दीजिए, राज्यों से कह दीजिए आप जिले पर, और जिले में अगर फिर भी कहीं और क्षेत्रीय भाषा बोल दी जाती किसी गाँव में, तो वहां का कोई आप देखिए जिला अधिकारी आप समझ सकते हैं, तहसीलदार ये काम कर सकता है। इससे क्या होता है कि जनता पढ़ सकती है, उसके बारे में जान सकती है। अब आप समझिए कि जहां तमिलनाडु में आप जाइए, हिंदी में कोई भाषा समझा दीजिए उन्हें, कोई भी विधेयक पढ़ के बताइए, समझ में नहीं आएगा अगर वहां नहीं जानते होंगे लोग। अब तमिल भाषा को आप लोग उत्तर भारत में ले आइए और उसे कोई भी आप सूचना दीजिए उस तमिल भाषा में बोलिए, कौन समझ पाएगा। इसलिए लोकल में आपको करना चाहिए व्यवस्था। भारतीय संविधान के अंगीकरण की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद के केंद्रीय सभागार में 26 नवंबर 2019 को दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, की गई है। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये कई बार क्वेश्चन आपको भ्रमित भी कर देते हैं और गलत भी कर बैठते हैं। तो आपको बताना है कि इसकी की बैठक, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। एक कथन में कई बार पूछ लेता है कि लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है बैठक को, लोकसभा अध्यक्ष करता है उसकी अध्यक्षता, इस तरह आपको याद रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष बैठक कर अध्यक्षता करता है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के 250वें सत्र के आयोजन के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 250 रुपये की मूल्य का चांदी का एक सिक्का और 5 रुपये मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये भी होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, हनीटैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। मेघालय राज्य वर्ष 2010-11 से उग्रवाद का सामना कर रहा है। वर्तमान में राज्य में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूह गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी तथा हनीटैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है। इनकी हिंसात्मक एवं गैर कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु केंद्रीय सरकार कड़े कदम उठाती रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने हनीटैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। ये मेघालय राज्य में देखने को मिलता है। मैंने बताया ना कि हमें अपने अंदर ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इनसे निपट लेना चाहिए पहले। कई जगह आप देखते हैं नक्सलवादियों का गढ़ भी होता है। 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर NHHNLC और संबंधित गुटों एवं संगठनों को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। आप सोचिए 2019 और 20 में बहुत आप कई एक तरह से काम हुआ है, कई अधिनियम विधेयक आए हुए हैं, बदल गए अधिनियम, बहुत बड़े स्तर पर संशोधन भी किया गया है, कई मामलों पर आप समझिए कि खत्म भी किए गए हैं, समझ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त निर्णय निम्न कारणों से लिया गया है। HNLC में ने मेघालय राज्य की खासी और जयंती जनजातीय बहुल वाले क्षेत्र को भारत से अलग करने का खुलेआम उद्देश्य घोषित किया है। इस संगठन ने अपनी निधि के लिए जबरन धन वसूली, आम नागरिकों को डराना धमकाना और इस कार्य हेतु पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही समूह के साथ संपर्क बनाए रखना। इन संगठन ने अपने कैडरों के शरण स्थल और प्रशिक्षण हेतु बांग्लादेश में सिरोवे बनाए हैं। यह संगठन 1 जनवरी 2015 से 31 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान 4 हिंसक घटनाओं और एक आम नागरिक की हत्या में संलिप्त रहा है। एक बात और आपको बताऊं यहाँ कि देखिए इस तरह के संगठन अगर हमारे देश में बनते हैं और हमारी देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं तो चीन इनकी मदद करता है, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसता है तो उनकी कौन मदद करता है? पाकिस्तान ही मदद करते हैं।
कि जाइए और भारत की अखंडता एकता को नुकसान पहुंचाइए। तो हमें अपने क्षेत्र में शांति रखना होगा। अतः विधि विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत विधत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने HNLC तथा इसके सभी गुटों, स्कंदों और अग्रणी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया है। फिर आप देखते हैं सी सेरी नदी पुल 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में सी सेरी नदी पुल का उद्घाटन किया है। कहां? अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की ब्रह्मांक परियोजना के तहत किया गया है। याद रहे कि BRO अरुणाचल प्रदेश में 4 परियोजनाओं वर्धक, अरुणांक और उदयक और ब्रह्मांक का संचालन कर रहा है। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। इस पुल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश की सी सेरी नदी पर किया गया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर। यह पुल जुनाई, पासीघाट, रानाघाट और रोइंग रोड के बीच बना है। यह पुल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ता है। किसे? दिबांग घाटी को सियांग से। कई बार पूछ लेगा कि आपका यह पुल किसे किसे जोड़ता है, तो दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ता है। इस पुल के बन जाने से पासीघाट से रोइंग की यात्रा में लगभग 5 घंटे की बचत होती है होगी। 5 घंटे, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा समय होता है। पुल के निर्माण में से अरुणाचल प्रदेश के लुवांग दिबांग घाटी और पूर्वी सियांग क्षेत्र में विकास को मदद मिलेगी तथा अरुणाचल प्रदेश में मजबूत अवसंरचना से भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा। गौरतलब है कि यह पुल असम के डोला सदिया पुल के जरिए तिनसुकिया से संपर्क स्थापित करने में मददगार होगा। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता रहता है। चीन कहता है कि हमारे यहाँ हमारा हिस्सा है, समझ रहे हैं। रमंग पुल का उद्घाटन 26 दिसंबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने राज्य के ऊपरी सियांग जिले में रमंग पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन की ब्रह्मांग परियोजना के तहत बॉर्डर रोड टास्क फोर्स द्वारा किया गया है। मिगिंग पुटिंग सड़क पर स्थित यह पुल ITBP तथा भारतीय सेना के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सड़कें बना रहे हैं सीमाओं पर। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपने देखा है कि वहां या तो हवाई जहाज के जरिए पहुंचना मुश्किल रहता है एरोप्लेन के जरिए, तो हम ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि वहां आसानी से बहुत जल्दी पहुंच पाए। क्योंकि आज भरोसा नहीं है, चाइना और पाकिस्तान का आप हाल देख रहे हैं, नेपाल भी देखिए, अब लोग पैर पसारने लगा है, वो भी मुंह खोलने लगा है जो हमारी पूरी तरह से हम पर निर्भर रहता था। तो हमें अपने देश की अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए, सशक्त रखने के लिए देश को इस तरह की योजनाएं बनानी होगी। अब बात करते हैं भारत का नया राजनीतिक मानचित्र। इसी के साथ आपका नेपाल से विवाद शुरू हुआ। हम लोगों ने देखा है कि जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, उसके बाद एक नया मैप्स जारी किया हम लोगों ने। तब जाके देखते हैं क्या है इसमें। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्यों जम्मू और कश्मीर लद्दाख में विभाजित किया गया है। अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। इसे याद रखिए, ये पूछेगा आपसे कि अधिनियम कब लागू हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 से 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र 9वां संस्करण 2019 जारी किया गया है। तो ये पूछ लेगा कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण। यह मानचित्र किसने बनाया है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। इस मानचित्र में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, यानी कि हमारा एरिया है तो हम लोग शामिल करेंगे। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 2 जिले कारगिल और लेह है। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इसमें कारगिल और लेह 2 जिलों को शामिल किया गया। जम्मू जबकि पूर्वी जम्मू और कश्मीर राज्य के शेष जिले जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किए गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट लेह जिले के राज्य क्षेत्र में विद्यमान जम्मू कश्मीर राज्य की निम्नलिखित जिले सम्मिलित होंगे: गिलगित, वजारत, चिलास, जनजातीय राज्य क्षेत्र, लेह और लद्दाख कारगिल के वर्तमान राज्य क्षेत्र के सिवाय। एक बात और आपको बताऊं, क्या बात बताना है आप लोगों को, कि जम्मू कश्मीर में देखिए आपकी विधानसभा हो गई,
दिल्ली की जैसी, लेकिन लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, ठीक। और 2021 की जब जनगणना आएगी या चुनाव होगा तब और क्लियर मालूम चल जाएगा यहाँ के बारे में। वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर के 14 जिले थे जिन्हें वर्ष 2019 तक बढ़ाकर कितने 28 जिलों में पुनर्गठित किया गया। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब की बात कर रहा हूँ, इस सितंबर, आपकी सितंबर 2019 में हम लोग इन क्लासों को ले रहे हैं। इस समय आपके 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो उस समय आप लोग करंट से जुड़े रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बंजर भूमि एटलस 2019। बंजर भूमि एटलस भू संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र के सहयोग से वर्ष 2010 से ही विकसित किया जा रहा है। अब तक इसके 4 संस्करणों का विकासन किया गया है। 2000 में, सन 2000 में किया गया था, फिर उसके बाद 2005 में, 2010 में, 2011 में और 2019 में, ठीक है। ये अंतरिक्ष विभाग का भी इसमें सहयोग लिया जाता है। 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि एटलस के 5वें संस्करण को जारी किया है। किस नंबर की? 5वें संस्करण को। इस एटलस के अनुसार देश में बंजर भूमि वर्ष 2008-09 की 56.60 मिलियन हेक्टर, देश का 17.21% भौगोलिक क्षेत्र, सिक्किम होकर वर्ष 2015-16 में 56.76 मिलियन हेक्टर, देश का 16.96 भौगोलिक क्षेत्र हो गया है। कहने का मतलब है कि 2008-09 से बंजर भूमि की जो एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र था, एक घटा है, ठीक है। पहले आपका देखते थे आप लोग 56.60 मिलियन हेक्टर हुआ करता था, लेकिन 2015-16 तक ही 56.76 मिलियन हेक्टर रहा है, ठीक है। इस अवधि के दौरान 1.45 मिलियन हेक्टर बंजर भूमि को गैर बंजर भूमि की श्रेणियों में परिवर्तित किया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सबसे ज्यादा 0.48 मिलियन हेक्टर, उसके बाद बिहार का नंबर आता है 0.11 मिलियन हेक्टर, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है 0.10 मिलियन हेक्टर तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश 0.08 मिलियन हेक्टर, मिजोरम 0.057 मिलियन हेक्टर, मध्य प्रदेश 0.039 मिलियन हेक्टर, जम्मू कश्मीर 0.038 मिलियन हेक्टर, पश्चिम बंगाल 0.032 मिलियन हेक्टर में बंजर भूमि की सकारात्मक बदलाव आया है। तो सबसे ज्यादा आपका राजस्थान में है, ठीक है। अधिकतर बंजर भूमि को फसली भूमि 0.064 मिलियन हेक्टर और वन सघन खुला 0.28 मिलियन हेक्टर, वन वृक्षारोपण 0.029 मिलियन हेक्टर, वृक्षारोपण 0.057 मिलियन हेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र 0.035 मिलियन हेक्टर आदि में बदल दिया गया है। याद रहे कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.12 हेक्टर है, जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.29 हेक्टर है। कहने का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि विश्व में हमसे अधिक है, भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता कितनी है? 0.12 हेक्टर। और यही अगर बस विश्व में बात करें यानी कि वर्ल्ड लेवल पर, तो 0.29 हेक्टर है प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2017 के बारे में, ठीक है। याद रखिए ये आंकड़े आपके पिछली बुक्स में देख चुके थे, उसे अगर कवर कर लेते, आप वैसे टाइम नहीं बचा हुआ है तो आप मत भी देगा, लेकिन उसे आप लोगों को कवर कर लेना चाहिए था पहले, क्योंकि मुझे लगता है उससे क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि 2019 में कोरोना पूरा छाया रहा तो इसलिए कुछ जाना कुछ हो भी नहीं पाया। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहकर्ता के रूप में की गई थी। कब? 1986 में। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-81 और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। यह ब्यूरो समय समय पर भारत में अपराध से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। किसने इसे बनाया था? एक तरह से आप समझिए कि किसकी अनुशंसा पर के आधार पर इसकी स्थापना की गई है और कब की गई है? तो पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स की अनुशंसा पर की गई थी 1986 में, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 21 अक्टूबर 2019 को एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2017 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 में कुल ये है आपका 50,07,044 संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए हैं। कितने? 50,07,044। फिर से सुन लीजिए भाई, 50,07,044 संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए।
इसमें वर्ष 2016 की तुलना में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में कुल 30,62,579 मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, हमारा जो उत्तर प्रदेश है आपका, ये सबसे टॉप पर है 10.1%। महाराष्ट्र की बात करें तो 9.4%, मध्य प्रदेश 8.8%। तो याद रखिए, सबसे पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश। रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की कुल संख्या 3,59,849 रही, जिसमें सर्वाधिक आपको उत्तर प्रदेश में 15.6%, महाराष्ट्र में 8.9% और पश्चिम बंगाल में आपका 8.6%। उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं आप लोग, दोनों मामले में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। और ये आंकड़े तो वो हैं, आप समझिए कि जो हमारे सामने आ जाते हैं और जो सामने नहीं आते हैं, इस तरह की घटनाएं लाखों घटती हैं फिर भी मालूम नहीं चलता है, समझ रहे। बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों 14.8% शीर्ष पर है, यानी कि इसमें भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बराबर है। तो वहीं बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। आप समझिए, एक तरह से मुझे लगता है कि इस तरह से महाराष्ट्र इसलिए आगे है क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का ये मतलब कभी नहीं होता है कि वो अपने जो भी माँ बाप रहे उनकी सेवा करें। आप देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में ही सबसे ज्यादा अपने माँ बाप के साथ भेदभाव किया जाता है बुढ़ापे में। अभी आप देखिए, किसी भी अगर अनाथ वृद्धाश्रम आपके पास आस पास खुला हुआ है तो वहां जाकर देखिए आप लोग, वहां आपको गरीब घर के माँ बाप देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, जो बाल घर होते हैं या मतलब अनाथ आश्रम होते हैं उसमें आपको गरीब बच्चे देखने को मिलेंगे, लेकिन वृद्धाश्रम में आपको गरीब कम ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े घर के जिनके अधिकारी रहे हैं या बड़े बड़े आदमी हैं, अमीर हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी बेहतर है, उन्हीं के माँ बाप आप देखिए कि उसमें वृद्धाश्रम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बुढ़ापे में आदमी, अभी जैसे आपकी हमारी जवानी है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम सोचते हैं हम बुढ़ापा ही नहीं आएगा। तो यही एक तरह से उम्र का भी ख्याल होता है, समझ रहे। तो मुझे लगता है कि हम लोग भेदभाव करने लगते हैं लेकिन हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। एक दिन हमारा भी वही आना है। तो इसके लिए लड़कों को मत, मुझे लगता है कि अकेले जिम्मेदार नहीं है, दोनों बराबर है, लड़की भी। मेरा एक उद्देश्य है सीधा कि जैसे कोई भी लड़की है या लड़का है, समझिए आप लोग, देखिए आपकी या मेरी कोई किसी की भी बहन है, ठीक है, वो जिस घर में जाएगी उसे उस घर को अपना माँ बाप मान लेना चाहिए, उस घर के जो उसके सास ससुर होते हैं उसे अपना माँ बाप मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे घर में जो आ रही है वो हमारे माँ बाप को, यानी कि अपने सास ससुर को माँ बाप मान ले, तो इससे समस्या का समाधान हो सकता है। आप समझ रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि मतलब हमारे घर में जो आ रही है वो अपने माँ बाप का ख्याल रखने लगे तो ये समस्या बिगड़ जाती है, समझ रहे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वही है कि इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए, इस तरह की प्रोसेसिंग चलनी चाहिए। लेकिन अलग बात है, देखिए आजकल पढ़ा लिखा समाज हो गया है और वो इन सब माँ बातों में भरोसा नहीं करता है, लेकिन जब बीतती है तब भरोसा करता है। तो अपने माँ बाप की सेवा तो करिए। देखिए अगर आपको, अगर मुझे लगता है कि आपको अगर उन्होंने अनाथ आश्रम नहीं भेजा है तो आपको भी वृद्धाश्रम भेजने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस तरह की घटनाएं मतलब इस तरह का काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप, धरती की बात अलग है, मुझे लगता है धरती में आपके पास पैसा है तो हर किसी का मुंह बंद कर देंगे, लेकिन ऊपर आपको कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी, समझ रहे। हो सकता है इसी जिंदगी में हमारे साथ भी वही घटना घट जाए, इसलिए जितनी भी नहीं आपका एडजस्ट हो पा रहा है फिर भी इज्जत कीजिए। आप धरती पर अगर आप हैं, बड़े आदमी हैं, तो आप उन्हीं की बदौलत हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा तो ध्यान दीजिए। माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपके मतलब आपको जिंदगी दी है, जिन्होंने पाला पोसा है, जिन्होंने आपकी सेवा की है, उनके साथ ना करना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अपराध मामले में उत्तर प्रदेश 26.5% शीर्ष पर है, लगभग उत्तर प्रदेश सब में बराबर ऊपर चल रहा है, लेकिन बस बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। साइबर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश 22.8%, आर्थिक अपराधों के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है, भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में 22.8% दर्ज हुए हैं, जबकि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जहां भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं किया हुआ है। तो सिक्किम को याद रखिए आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया, बहुत बड़ी बात हो जाती है।
एक फिर आप लोगों ने सुना होगा कर्नल चिवांग रेन रिन चेन सेतु, कर्नल चिवांग रिन चेन सेतु। भारत लगातार अपनी सीमाओं की सुरक्षा और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयासरत है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 21 अक्टूबर 2019 को पूर्वी लद्दाख में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? पूर्वी लद्दाख में। यह पुल इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी की सुविधा तो प्रदान करेगा ही, साथ ही यह सीमावर्ती क्षेत्रों हेतु भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। आपका कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा हिमांक परियोजना के तहत सेओक नदी पर किया गया है। तो याद रखना सेओक संधि सिंधु की सहायक नदी भी है, तो याद रखिए सेओक सेओक नदी पर है आपका। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। दुर्गम इलाके में पुल निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए इसे माइक्रो पाइलिंग तकनीक द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? माइक्रो पाइलिंग। यह 430 मीटर लंबा पुल है। काराकोरम और चांग चेनमो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यह पूर्वी लद्दाख में दुरबुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। किससे किसे जोड़ता है? ये पूर्वी लद्दाख में जो दुरबुक है और दौलत बेग ओल्डी, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है। साथ ही पुल इस पुल के माध्यम से लद्दाख के लोगों तथा जम्मू कश्मीर के सभी आंतरिक क्षेत्रों का शेष भारत से संपर्क स्थापित हो सकेगा। यह पुल लगभग 14,650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। समझ रहे हैं? 14,650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बहुविस्तार स्थायी पुल है। यह भारत का सबसे ऊंचा बहुविस्तार स्थायी पुल भी है। पुल का नाम किस नाम पर पड़ा है? कर्नल चेवांग रिनचेन रखा गया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि कर्नल चेवांग रिनचेन भारतीय सेना में उच्च पदस्थ अधिकारी थे। इन्हें 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन्हें लद्दाख का शेर भी आप लोग कहते हैं, लायन ऑफ लद्दाख। ठीक है, याद रखिए इनके बारे में, इनसे भी आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा। सियाचिन पर्यटन। 21 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा लद्दाख की सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को पर्यटन के लिए खोलने की घोषणा की गई है। यह घोषणा कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु के उद्घाटन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। याद रहे कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। अब पर्यटक सियाचिन बेस कैंप यानी कि 11,000 फीट से कुमार पोस्ट यानी कि 15,000 फीट तक यात्रा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो कि पॉइंट NJ 9842 यानी कि NJ 9842 के उत्तर पूर्व में है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी कि LOC समाप्त होती है। ठीक है, LAC आपकी भारत और चाइना के बीच और LOC भारत और पाकिस्तान। अब आपने देखा होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, तो इसे भी देख लेते हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर 2019 को और 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर 2019 को समाप्त हो रहा था। इससे पूर्व चुनाव करवाने की अनिवार्यता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा 27 सितंबर 2019 को इन राज्यों में चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। तो याद रखिए हरियाणा में कितनी है? 90 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 288 है। वैसे आप लोग कॉमन मतलब एक तरह से देख लीजिए, नजर जरूर डाल लिया करिएगा सभी राज्यों की, जो भी विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, विधान परिषद सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एक तरह से सुमिलित करने के लिए भी आ जाते हैं। 21 अक्टूबर 2019 को हरियाणा एवं महाराष्ट्र चुनाव में संपन्न हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी यानी कि 40 सीटों के रूप में अपनी स्थिति कायम रखी है। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार का गठन किया है, तो BJP ने वहां सरकार बना ली। 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, जबकि जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ये तो एक तरह से आपकी राजनीति रोटियां सेंकने के लिए इस तरह के प्रावधान कर लिए जाते हैं, समझ रहे हैं? इस तरह की व्यवस्था कर ली जाती है। कई राज्यों में आप देखेंगे तीन तीन चार चार उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, समझ रहे हैं?
तो इस तरह के चलते रहते हैं, इनका अपना काम रहता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के तहत भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 और राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी शरद पवार की है इसे 54 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 44 सीटें प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले आपने देखा है कितना वहां भी राजनीतिक उठापटक चलता रहा। पहले देवेंद्र फडणवीस ने ले ली है, फिर उसके बाद आपने देखा है कि उन्होंने ले ली, राष्ट्रपति शासन लग गया, इस तरह की चलती रही है। अंततः उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहले उद्धव ठाकरे एनडीए में थे यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल थे, लेकिन अब बाद में जो भी रहा वो इनका बिगड़ गया। इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी मुख्य पार्टियों का समर्थन प्राप्त हुआ है और ये मुख्यमंत्री बन गए। इसीलिए तो कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। कल तक आप देखते थे उद्धव ठाकरे कांग्रेस में, उद्धव ठाकरे के जो बाप रहे हैं बाल ठाकरे पिताजी, इन्होंने कहा मरते मरते मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। आज आप देखिए वो परिस्थिति। तो ये देखिए कहते हैं ना कि अपने बाप के भी नहीं होते हैं राजनेता, कोई भी हो किसी भी पार्टी का हो, आप देख सकते हैं। तो ये हाल है इनका राजनीति का। इसीलिए कहते हैं कि अपना आपसी मतभेद मत रखा करिएगा, इस राजनीति के चक्कर में अपने पड़ोसियों से व्यवहार मत बिगाड़ा करिएगा। आपने देखा है लॉकडाउन के समय कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री आपको रोड पर नहीं दिखा है, आपकी किसी ने मदद नहीं की है, आपके पड़ोसी ने आपकी मदद की, आपने अपने पड़ोसी की मदद की है, जो भी समाजसेवी संगठन थे, समाजसेवी लोग थे, उन्हीं लोगों ने मदद की है। तो इन नेताओं पर भरोसा कमी किया करिएगा। बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 तक एक नए समावेशी भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है। इस संदर्भ में अटल नवाचार मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नामक रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि कौन जारी करता है, नीति आयोग, ठीक है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल किया गया है, इसकी मदद से इसने बनाई है। इस सूचकांक के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने में राज्यों के परिवेश की अनुकूलता और उनके नवाचारी कार्यों के परिणाम दोनों का परीक्षण किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में 0 से 100 यानी कि 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर प्रदान किया गया, जहां नवाचार के संदर्भ में 0 सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है, वहीं 100 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है, यानी कि जिसकी 100 के पास इंडेक्स में रैंकिंग है वो बेहतर है और 0 की तरफ जिस जो बढ़ता है उसकी खराब है। बड़े राज्यों में बात करें तो कर्नाटक स्कोर 35.65 प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड की बात करें तो स्कोर 6.20 अंतिम 17वें स्थान पर रखा गया है। बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं, अगर बड़े राज्यों में पूछे तो कर्नाटक पहले नंबर पर और अगर सबसे अंतिम स्थान पर पूछे तो 17वें नंबर पर है झारखंड। अगर बिना किसी वर्गीकरण के सभी भारतीय राज्यों का मूल्यांकन एक साथ किया जाए तो इस दृष्टि में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा है। सीधा सा कहने का मतलब है कि सभी कोई संघ शासित प्रदेश बड़े छोटे राज्यों में ना बांटा जाए, फिर अगर रैंकिंग की जाए तो दिल्ली सर्वश्रेष्ठ यानी कि पहले स्थान पर रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो कर्नाटक पहले, तमिलनाडु दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे पर है। ये बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 की बात करें तो शीर्ष 3 उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे सिक्किम, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो बड़े राज्य में पहला कौन सा है, कर्नाटक, और उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में सिक्किम पहले नंबर पर। अगर आपके 3 केंद्रशासित क्षेत्र शहरी राज्य छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे दिल्ली पहले पर, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद गोवा है, ठीक है। अब बात करते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन, जिसे आप लोग सुमन कहते हैं। इन सबको हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछली का मतलब है कि 2019 की जो घटना चक्कर हुई थी दृष्टि की, इसे हम लोग उसमें बात कर चुके थे, फिर भी अब क्या कर सकते हैं। देश में प्रति वर्ष गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान मातृ एवं शिशु मृत्यु की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है। इसकी रोकथाम हेतु समय समय पर सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं और 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन ने माताओं एवं नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का शुभारंभ किया है। इस पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 13वीं शिखर 13वें सम्मेलन के दौरान किया गया था। इस योजना के उद्देश्य अस्पताल में मातृ एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम, भुगतान सहित सम्मानजनक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत माताएं एवं नवजात शिशु केशव के 6 महीने बाद तक निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व कम से कम 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी भी गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु की मृत्यु ना हो। अब बात करते हैं मातृ एवं मृत्यु एवं अनुपात पर विशेष बुलेटिन 2015 से 17। नवंबर 2019 में भारत के रजिस्ट्रार द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात पर जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार एक वर्ष के दौरान भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में 8 बिंदुओं की कमी दर्ज की गई है। अच्छी बात है। 2014-15 में प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर MMR यानी कि कहने का मतलब है कि मातृ मृत्यु अनुपात 130 था, जो 2015-16 में घटकर 122 तक पहुंचा है, जो 6.2% की कमी प्रदर्शित करता है। जिन 7 राज्यों में MMR की कमी की दर राष्ट्रीय औसत 0.6 से अधिक या उससे बराबर है, वे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत MMR को विशेष को वर्ष 2020 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 100 तक लाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को 11 राज्यों ने प्राप्त कर लिया है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, स्वास्थ्य सुविधा जहां रहेगी, आप लोग ये पढ़े लिखे लोग रहेंगे, वहां इस तरह की घटनाएं कमी देखने को मिलेंगी। ये राज्य केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा। 2015-16 की अवधि में उत्तर प्रदेश को MMR कितना है, 216 दर्ज किया गया है। यानी कि हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश की आप कही है बुरी है। उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। 216 है, कितनी है, 216 है। और अगर वहां की भारत की बात करें तो 122 है। ठीक है, फिर आपने देखा है व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 से 18। अक्टूबर 2019 में पहली बार व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। यह सर्वेक्षण यूनेस्को द्वारा समर्थित भी है। किसके द्वारा? यूनिसेफ द्वारा। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और भारत सरकार ने सर्वेक्षण हेतु डिजाइन और प्रोटोकॉल को मंजूरी प्रदान की थी। CNN यानी कि कहने का मतलब है कि CNNS यानी कि राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण, व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी परिवार को कवर करते हुए भारत के 30 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में एक बहु स्तरीय सर्वेक्षण डिजाइन का उपयोग करते हुए संचालित किया गया है। इस सर्वेक्षण हेतु आंकड़े 3 लक्ष्य समूहों यथा 0 से 4 वर्ष की आयु वर्ग, फिर आप देखेंगे 5 से 9 वर्ष और 10 से 19 वर्ष की आयु के आयु वर्ग से एकत्रित किए गए। सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 35% बच्चे ठिकने आप समझ रहे हैं, छोटा, 17% बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन के वाले हैं और 33% बच्चे सामान्य से कम वजन वाले हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के 2% बच्चे मोटे हैं। 5 से 9 वर्ष के बच्चों को 22% ठिकने, 10% बच्चे सामान्य से कम वजन वाले हैं और 23% बच्चे दुबले हैं। अगर हम 10 से 19 वर्ष की आयु की बात करें तो 24% बच्चे दुबले, 5% बच्चे अधिक वजन के हैं थे। और सर्वेक्षण के अनुसार 0 से 4 वर्ष के 41%, 5 से 9 वर्ष के 24% तथा किशोर उम्र यानी कि 10 से 19 वर्ष के 28% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं। 40% किशोरियां और 18% किशोर एनीमिया के शिकार भी हैं। तो इनको भी एक सामान्य जानकारी के लिए आप लोग याद रखिए। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधित सर्वे 2015 से 19 के बीच। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित सर्वे जारी किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 25% के लक्ष्य को पार करते हुए भारत ने दृष्टिबाधिता के मामले में लगभग 52% की कमी की है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारक मोतियाबिंद है। कौन सा?
मोतियाबिंद। तो याद रखिए, कई बार पूछ लेता है मोतियाबिंद किस अंग से संबंधित है, तो आंख से। सर्वे के मुताबिक देश की कुल आबादी में 0.36% लोग दृष्टिहीन हैं, जबकि 2006 से 7 में यह संख्या 0.68% थी, यानी कि कमी आई है। सर्वे के अनुसार मोतियाबिंद 66.2% मामलों के साथ दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारक भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पर्यटन पर। अब 2019 पर्यटन के लाभ पर ध्यान आकर्षित करने, देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करने और सभी के लिए पर्यटन का सिद्धांत लागू करने के उद्देश्य के साथ पर्यटन पर्व का आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है, वर्ष 2018 के दौरान ई टूरिस्ट वीजा के माध्यम से 2.4 यानी कि 2.4 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 39.6% वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। कितना? 39.6% को। वैसे आप समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण ये समस्या बहुत बुरी बुरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पर्यटन क्षेत्र कई लोगों को नौकरी देता था और हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान भी करता था। 2 अक्टूबर 2019 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व 2019 का शुभारंभ किया गया। पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2 से 13 अक्टूबर 2019 के मध्य पूरे देश में किया गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहन करने के साथ साथ सभी के लिए पर्यटन के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। पर्यटन पर्व 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित करता है। और पर्यटन पर्व के 3 घटक हैं, देखो अपना देश, सभी के लिए पर्यटन और पर्यटन एवं प्रशासन। पर्यटन पर्व के दिल्ली चरण का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर 2019 के मध्य राजपथ लॉन में किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 34वें स्थान पर था। आप कह सकते हैं कि बेहतर स्थिति में है 34वें, हमारे लिए 34 स्थान बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब बात करते हैं ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019 से 29। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019 से लेकर 2029 को लॉन्च किया है। यह रणनीति स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से स्वच्छता संबंधी व्यवहार में हुए परिवर्तन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 10 वर्षीय रणनीति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है। और इसके तहत खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस श्रेणी की प्राप्ति हेतु स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं एवं अन्य संबंधित हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। याद रहे कि ODF प्लस श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसके तहत सभी के द्वारा सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं के प्रयोग को जारी रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी निपटान किया जाना शामिल है। यह रणनीति सतत विकास लक्ष्य 6 यानी कि SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है। इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सतत विकास लक्ष्यों को आप याद रख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कई बार हमारे ही सामने आ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्राप्त किए गए खुले में शौच से मुक्त दर्जे को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी के तहत ODF श्रेणी का ODF प्लस श्रेणी के रूप में उन्नयन किया जाना है। फिर आप देखेंगे स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत 2019। भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क नेटवर्कों में शामिल है। इसके द्वारा प्रतिदिन लगभग 23 मिलियन यात्रियों का आवागमन और लगभग 3 मिलियन टन माल की ढुलाई संभव होती है। भारत का रेलवे नेटवर्क 68,442 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जिस पर लगभग 22,000 कितनी 22,000 रेल गाड़ियां प्रतिदिन चल रही हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर भारतीय रेल द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा, रेल के द्वारा, ठीक है, जिसका उद्देश्य रेल यात्रियों के यात्रा अनुभव में सुधार भी करना है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर रेल मंत्रालय द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI द्वारा रेलवे स्टेशनों के स्वच्छता मानदंडों का आकलन करने के करके तैयार की गई है। सर्वेक्षण के अंतर्गत भारतीय रेलवे के 720 स्टेशनों को आच्छादित किया गया है, कवर किया गया है। कितने?
720, इस संख्या को याद रखिए। सर्वेक्षण रिपोर्ट में एन एस जी सैनी के तहत जयपुर राजस्थान, ए नॉन सब अर्बन ग्रुप्स में जयपुर राजस्थान रेलवे स्टेशन को पहली रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, जोधपुर और दुर्गापुर को क्रमशः दूसरा और तीसरी रैंक मिली है। सब अर्बन ग्रुप श्रेणी में अंधेरी मुंबई को पहली और बिरार को दूसरी और नायगांव स्टेशन को तीसरी। तो याद रखिए, नॉन सब अर्बन की पूछे अगर आपसे तो जयपुर पहले पर, और अगर सब अर्बन ग्रुप्स की पूछे तो आपसे अंधेरी मुंबई का है पहले नंबर पर। सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के 16 भौगोलिक रेलवे जोन, वर्तमान में रेलवे देश में रेल जोनों की संख्या 18 हो चुकी है। उत्तर पश्चिमी रेल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 16 को इसमें शामिल किया गया था लेकिन वर्तमान में आपसे पूछे तो 18 है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे को प्रथम स्थान मिला हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे दूसरे और पूर्व मध्य रेलवे तीसरे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले स्टेशन शाहजहांपुर, इसे समग्र रैंकिंग में 21वां स्थान मिला है, जबकि फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या जिसे कहते हैं आप लोग 22वें स्थान पर। यानी कि कहने का मतलब है शाहजहांपुर आपका 21वें नंबर पर और फैजाबाद अयोध्या आपका 22वें नंबर पर। कितने नंबर पर? 22वें नंबर पर। ठीक है, आगे है आपका स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, इसे भी देख लेते हैं। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक नीति आयोग द्वारा विकसित स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में किए गए विविध प्रयासों का सटीक आकलन कर उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर क्रियाविधियों का निर्माण करना शामिल है। कौन, किसने जारी किया इसे? नीति आयोग द्वारा बनाया गया। 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिसे आप लोग SEQI के नाम से भी जानते हैं, जारी किया है। यह सूचकांक का प्रथम संस्करण है जिसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को विकसित करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सहयोग किया है नीति आयोग का। ठीक, इस सूचकांक में 30 महत्वपूर्ण संकेतक शामिल किए गए हैं। कितने? 30 जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण का आकलन करते हैं। शीर्ष तथा निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश और समग्र रैंकिंग की बात करें तो प्रथम 3 ये बड़े राज्यों में है। ठीक है, अंतिम 3 राज्य हैं। ठीक है, केरल पहले, राजस्थान दूसरे, कर्नाटक तीसरे, और नीचे के 3 की बात करें तो उत्तर प्रदेश 20वें, 19वें पर है आपका जम्मू कश्मीर, और 18वें पर पंजाब। छोटे किसानों की बात करें तो मणिपुर पहले, त्रिपुरा दूसरे, और गोवा तीसरे। अगर आप नीचे से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश छोटे राज्यों में सबसे नीचे है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, चंडीगढ़ ऊपर पहले नंबर, फिर दूसरे दादरा एवं नगर हवेली और नगर हवेली, और तीसरा दिल्ली। अगर आपसे वैसे ही बात करें, दमन और द्वीप, और 5वें नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप, दूसरे नंबर लक्षद्वीप, नीचे से 7वें नंबर पर। ठीक है, ये आप देखिए जम्मू कश्मीर के बंटवारे से पहले के आंकड़े हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को एक ही राज्य माना गया है, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप को भी एक ही, मतलब अलग अलग करके मापा गया है। ठीक है, वरना आप समझिए कि 28 राज्य बचे हुए हैं, 8 केंद्र शासित बचे हुए हैं। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े राज्यों की बात करें, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश। अगर नीचे से बात करें, अगर विद्यमान प्रगति रैंकिंग आधार वर्ष 2015-16 और संदर्भ वर्ष 2016-17 की मत, तो 18वें स्थान पर झारखंड, उत्तराखंड 19, 20वें कर्नाटक। छोटे राज्यों की बात करें, मेघालय पहले, नागालैंड दूसरे, गोवा तीसरे। नीचे की बात करें, सिक्किम 6वें, मिजोरम 7वें, अरुणाचल प्रदेश 8वें। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दमन द्वीप, उसके दादरा एवं नगर हवेली, और तीसरे पर पुडुचेरी। नीचे बात करें तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में भी सुना होगा। 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एनडीए सरकार की द्वितीय कार्यकाल की प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के तहत किसानों हेतु एक पेंशन योजना को स्वीकृति भी प्रदान की गई। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची झारखंड प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ किया। कहां से? रांची झारखंड से। यह योजना 9 अगस्त 2019 से प्रभावी है, तो इस डेट को भी याद रखिए, 9 अगस्त
2019 को। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किसकी? केंद्र क्षेत्र की। यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है जिसमें 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले देश के सबसे छोटे एवं सीमांत किसानों लाभान्वित होंगे। ऐसा अनुमानित है कि इस योजना के लागू होने की प्रथम 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंदर प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पीएम किसान योजना के तहत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त होगी। और किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की उम्र कितनी रहेगी? 18 से 40 वर्ष। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है इसमें। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि लाभार्थी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त लाभ सीधे ही इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है। जो 6,000 आपको मिलते हैं ना, आपने देखा हुआ किसानों के लिए साल में, तो ये उसी की बात कर रहा है। यह एक नवोन्मेषी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने हेतु सरकार 3 वर्षों की अवधि में अपने अंशदान के रूप में 10,774.50 करोड़ रुपये व्यय करेगी। तो ये थी आपकी कुछ राष्ट्रीय घटनाएं और महत्वपूर्ण जो भी आपके लिए परीक्षा के पॉइंट व्यू से जरूरी है। अब कुछ यहाँ आपके इसी से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इसके साथ हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य आपका खत्म करते हैं, आगे आपका वैधिक परिदृश्य देखेंगे। 24 अगस्त 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के तहत फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर कर दिया है 31 दिसंबर 2020 तक। अरुणाचल प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा 2023 तक। 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य के लिए एक टीवी चैनल का उद्घाटन किया है, असम के लिए। किसके लिए? असम के लिए। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद की सरल, सस्ती और बिना ऑपरेशन के इलाज की तकनीक विकसित की है नैनो प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब ने, ठीक है। 23 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन हुआ है मॉरिशस में। 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश को सौंपे हैं 10 ब्रॉड गेज इंजन। 15वें भारत यूरोपीय संघ आवासीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है 15 जुलाई 2020 को। 7 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने गंगा के कार्यकल्प की सहयोग बढ़ाने के लिए कितना प्रदान किया है? $400 मिलियन। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक। भारतीय रेलवे द्वारा सभी ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2023। फास्टैग को अनिवार्य बनाने के लिए में संशोधन किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह नियम 2008 में। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेली परामर्श स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जा रहा है ई संजीवनी। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए क्षेत्रों की घोषणा की है 7। त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी उप सर्कल से पूर्ण सर्कल, ठीक है। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जिसके तहत कोविड-19 के दौरान 3,992 भारतीयों को समुद्री मार्ग से भारत में लाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना बहुत बुरी तरह से मार कर रहा है। 16 से 30 नवंबर 2019 के मध्य 15 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर घोषणा की है भारतीय पोषण कृषि कोष की। 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मेघालय में सक्रिय इस उग्रवादी समूह को गैरकानूनी संघ घोषित किया है ए हनीफ टैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को। 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई है 550। इस तरह के क्वेश्चन आपकी सिविल सर्विस की छोड़ी उसमें वनडे एग्जाम में कुछ ज्यादा ही पूछते हैं, समझ रहे। 15 अक्टूबर 2019 को भारतीय रेलवे द्वारा प्रमुख शहरों के आसपास छोटे कस्बों में रेल संपर्क सुलभ कराने के लिए सेवा ट्रेनों का परिवहन प्रारंभ किया गया। इन ट्रेनों की संख्या कितनी है? 9। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2019 के मध्य 38वीं इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन किया गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
निर्माताओं एवं नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क प्रदान करने के लिए शुभारंभ किया है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का। ठीक है, अक्टूबर 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान आपका आईआईटी बॉम्बे को मिला है। 2020-2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन के द्वारा जल पहुंचाने के उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया है जल मिशन, जल जीवन मिशन। ठीक है, 14 अगस्त 2019 से 30 सितंबर 2019 के मध्य संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान मिजोरम का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश के जिलों में शीर्ष स्थान पेड़ापल्ली तेलंगाना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के साथ ही संस्थानों से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु एक योजना का पूरा शुभारंभ किया गया है, यह दीक्षा आरंभ योजना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु देश में चयनित समुद्री तट की संख्या है 12। सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है लेह में लद्दाख। पश्चिम बंगाल सरकार की वह दो योजनाएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में WSIS अवार्ड से पुरस्कृत कर वैश्विक मान्यता प्रदान की गई है, तो यह है उत्कर्ष बंगला और सबूज साथी योजना। इन दो योजना, ये दोनों आपकी पश्चिम बंगाल की है। भारत सरकार द्वारा इस अलगाववादी संगठन को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है, यह जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट को JKLF को। प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेट्रो परियोजना का शुभारंभ कहां किया गया, नागपुर में। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शहरों की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई, एशियाई शहर सर्वेक्षण परियोजना। IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई जो शहर है एक किस सूची में से संकटपन्न प्राणियों के रूप में सूचीबद्ध है। किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्पिक ईंधन प्रदान करने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया सतत पहल का। भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव मत पत्र से नोटा विकल्प हटा दिया है अप्रत्यक्ष चुनाव से यानी कि राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव से, बाकी में ये रहेगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मोस्ट फेवर्ड सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा वापस ले लिया गया पाकिस्तान से। धनुषकोडी से रामेश्वरम को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना कौन सी है, रामेश्वरम धनुषकोडी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का उच्च बीमा कवर और ओवर ड्राफ्ट की को दुगना करने की सुविधा के साथ ओपन एंडेड अर्थात कभी ना बंद होने वाली योजना में परिवर्तित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को। केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 आपस्पा कहते हैं ना, आपको बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ कब हुई थी, आप लोग नीचे लिखिए, इस तरह की आपके याद होना चाहिए आपको। 6 से 7 अप्रैल 1944 की रात्रि को हुए इस युद्ध के बाद 2019 में 75 वर्ष पूरे हुए कांगला टोंगबी युद्ध। वर्ष 2019 में इन घटनाओं के 100 वर्ष पूरे हुए रोलेक टैक्स सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आपको मालूम होगा कि हुई थी घटना। वर्ष 2019 में इस युद्ध के 75 वर्ष पूरे हुए इम्फाल कोहिमा युद्ध। हिमाचल प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा बनी है संस्कृत। केंद्र सरकार द्वारा देश में स्वदेशी नस्ल सहित समस्त गौजातीय आबादी की सुरक्षा संरक्षण विकास के उद्देश्य के साथ इस योजना की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE द्वारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक ऊर्जा दक्ष राष्ट्र के विकास हेतु जारी रणनीति है उन्नति। ठीक है, कीरू पनबिजली परियोजना स्थित है चेनाब नदी किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर पर। मेसर्स चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कीरू पनबिजली परियोजना की क्षमता कितनी है, 624 मेगावाट। कितनी, 624 मेगावाट। तो इसी के साथ आपका जो राष्ट्रीय परिदृश्य है इसे खत्म कर देते हैं हम लोग, आगे हम लोग विधिक परिदृश्य देखेंगे। ठीक है।